and has completed her BA, MA and doctorate from the University of Calcutta. Her teaching experience started from Calcutta University itself, after which she taught at Vishwa Bharati University, Shanti Niketan for about 5 years. In 2004, she joined University of Delhi. From 2010 to 12, she was a visiting founding teacher of the Hindi branch in Turkmenistan under the aegis of the Ministry of Foreign Affairs, Government of India. In sabke alawa, Professor Sudha ji ka naam Madhyam aur Stri Vimaksha Vimarsh mein ek jana pehchana naam hai. Ab tak unhone alochana, media aur Stri Vimarsh par lagbhag 30 pustake prakashit ki hain. जिनमें भूमंडलीकरण और ग्लोबल मीडिया, ज्ञान की स्त्रीवादी पाठ, जनतंत्र और माध्यम, जनतंत्र जन माध्यम और वर्तमान संकट, मध्यकालीन साहित्य विमर्श, स्त्री अस्मिता साहित्य और विचारधारा आदि प्रमुख हैं। I now extend our warm welcome to you, ma'am. I now request you to take over. सबका बहुत बहुत आभार, विशेषकर आपके यहाँ के शिक्षक, विद्यार्थी और प्राचार्य साहिबा और अनुपस्थित प्राचार्य महोदय का। आप सबने महिला दिवस पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और उसे आज हम 2 दिन बाद मना रहे हैं। और ये जाहिर है कि ऐसी स्थिति है जिसमें हम सब जहाँ से बात शुरू करते हैं और जिस टॉपिक को आपने रखा है वह विमेन एम्पावरमेंट है। इसमें एक ऐसा शब्द है पावर, और पावर की सारी संरचना से ही स्त्री की जो संघर्ष की स्थितियां हैं वो निर्मित हो रही हैं। और हम चाहते क्या है? एम्पावरमेंट। पावर से लड़ते हुए हम अपना एम्पावरमेंट चाहते हैं। इसमें एक और चीज छिपी हुई है और वो चीज है कि क्या औरतें लेस पावरफुल हैं? कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि औरतें कमतर हैं और उनको उसी पावर संरचना की जरूरत है जो समाज में अन्य तबकों विशेषकर पुरुषों को हासिल है। और इस तरह से स्त्री की जो सारी लड़ाई है, अगर हम केवल एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट पर टिक जाएं तो बड़ी कमजोर सी दिखती है, मुझे तो बहुत अच्छी नहीं लगती। पावर किस लिए चाहिए? यह एम्पावरमेंट की जो धारणा है वो किन चीजों से जुड़कर हमें सशक्त बनाएगी? क्या हमारे पास पहले से उन चीजों का अभाव है? एक पावर होता है शक्तिशाली होने का, ताकतवर होने का, और वो शरीर से जुड़ा हुआ है, देह बल से जुड़ा हुआ है। और कई बार सभ्य समाजों में जो असभ्य व्यवहार है उससे भी जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि असभ्यता भी एक पावर का शक्ल ले लेती है। जब किसी तबके को हम देखते हैं कि वो एकजुट होकर बहुत अपने से कमजोर या किसी और तबके के खिलाफ खड़ा हो जाता है और फिर माइट इज राइट और पावर का वहां वो रूप होता है। और एक चीज ध्यान रखें, जब हम इस पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, इस तरह से बात करते हैं तो दिक्कत, मुझे इस शब्द से परेशानी है,
एम्पावरमेंट जैसा शब्द जो कि पावर के विजाविज बन रहा है, मुझे इससे परेशानी है। मुझे पावर उस रूप में नहीं चाहिए जिस रूप में वो समाज में आज मौजूद है। पावर के सारे डिस्कोर्स को अगर आप देखें तो वह डिस्कोर्स इस पर टंगा हुआ है कि समाज में बहुत सारे लोग लेस पावरफुल हैं और बहुत सारे लोगों के अधिकारों को उन तक पहुंचाना समाज में अभी बाकी है। और ये तो मैं सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ, बल्कि कहना ये चाहिए कि बहुत सारे लोगों के पावर को, उनके अधिकारों को, उनके हकों को छीन कर कुछ लोग पावरफुल हैं। और ज्यादातर ये जो पावर है, पावर की संरचना है, ये आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और नॉलेज के स्तर पर भी हो सकती है। तो ऐसे में ये शब्द ही अपने आप में बहुत विवादित है कि विमेन्स एम्पावरमेंट। अब मुझे इससे थोड़ी परेशानी है, इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें यहाँ से न सोचकर हमें ये देखना चाहिए कि स्त्रियों ने डेवलपमेंट के पूरे पर्सपेक्टिव को, जो सामाजिक सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, उसको किस तरह अपने योगदान से सवारा सजाया है और उसमें उनकी भूमिका अगर आप देखेंगे, आप पावर से शुरू करेंगे तो स्त्री बेचारी नजर आएगी, लेकिन अगर आप सामाजिक विकास से शुरू करेंगे, सभ्यता के विकास के इतिहास को टटोलने जाएंगे तो वहां स्त्री आपको पुरजोर ताकत के साथ खड़ी नजर आएगी। और ऐसी स्थिति में समाज के विकास का कोई भी दौर नहीं आपको दिखेगा जहां महिलाएं पूरी मजबूती अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के साथ मौजूद ना हो। तो ऐसे में अगर इस नजरिए का फर्क है, अगर हम यहां से बात करना शुरू करते हैं कि सामाजिक विकास के इतिहास में या सभ्यताओं के विकास के इतिहास में स्त्री की क्या भूमिका रही और वो भूमिका किन जगहों पर मौजूद होने के बावजूद दर्ज नहीं की गई, रजिस्टर नहीं हुई वो चीजें, या जानबूझकर उनको काम निकल जाने के बाद हाशिए पर ठेक दिया गया, तो आप उन जगहों की भी खोज कर पाएंगे जहां से स्त्री को कमजोर बनाया जा रहा है और इस तरह के शब्दों को गढ़ा जा रहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो स्त्री के हक में कर रहे हैं, उसे एम्पावर्ड करने के लिए कर रहे हैं। जरूरत नहीं है, एम्पावर्ड मत कीजिए, उसके पास जो था उसकी पहचान उसको दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप एम्पावर्ड करें। आप उसके डेमोक्रेसी ने, संविधान ने स्त्री को बहुत कुछ दिया है, बावजूद इसके सामाजिक व्यवहार के स्तर पर वो चीजें लागू नहीं होती। तो आप जो कानूनन सम्मत है, वैध है, वो किसी स्त्री को देकर या किसी ऐसे तबके को देकर जो उसका हक ही है, आप उसे एम्पावर्ड कैसे कर रहे हैं? आप तो सिर्फ दखल अंदाजी छोड़ रहे हैं, आप तो सिर्फ अपनी जगह से थोड़े से खिसके हैं, वो भी तब जब आप पर बहुत दबाव बना है। बिना दबाव के तो आप खिसकने को राजी नहीं, तो देने वाले की भूमिका तो है ही नहीं आपकी। और जो आइडियोलॉजी है जिससे स्त्री की लड़ाई है, पितृसत्ता की, पुरुष से स्त्री की लड़ाई नहीं है। स्त्री अगर किसी चीज के लिए आज लिख रही है, बोल रही है और अपनी राय को सार्वजनिक पटल पर रख रही है, तो ये लड़ाई किसी पुरुष मात्र से या पुरुष विशेष से नहीं है, ये उस पितृसत्ता और पितृसत्ता की सारी संरचनाओं से स्त्री की लड़ाई है जो स्त्री के प्रति एक विशिष्ट नजरिया रखता है। जब हम पितृसत्ता कहते हैं तो आज ये समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि पितृसत्ता के ढांचे के अंदर स्त्री की पोजिशनिंग क्या है। बहुत आसानी से पितृसत्ता कहते ही स्त्रियों ने इतना लिखा है, इतना बोला है, इतने संघर्ष किए हैं, इतने आंदोलनों में भाग लिया है कि अब पितृसत्ता कहते ही ये चीज जाहिर होती है कि पितृसत्ता के ढांचे के भीतर स्त्री को कहां शोषित किया जा रहा है, कहां उसके हकों को छीना जा रहा है, कहां उसे पर्दे के पीछे खेला जा रहा है, उसे हाशिए की जगह पर धकेला जा रहा है। तो पितृसत्ता अब एक एस्टैब्लिश, पहचानी हुई और उस पितृसत्ता की संरचनाओं के भीतर स्त्री की भूमिका को सिर्फ एक शब्द मात्र से समझने में सक्षम स्थिति आज बनी है। एक समय था
जब हिंदी साहित्य का पूरा आलोचना और आलोचक वर्ग बिना पितृसत्ता का नाम लिए धड़ाधड़ आलोचनाएं लिखे जाता था। आप प्रगतिवाद तक में पितृसत्ता का प नहीं ढूंढ पाएंगे। कहने को प्रोग्रेसिव राइटर्स यूनियन था, प्रोग्रेसिव राइटिंग्स थी, और स्त्री के और तमाम मजलूमों के हक की लड़ाई थी, दलितों के हक की लड़ाई थी, मजदूरों के हक की लड़ाई थी, लेकिन वहां पर पितृसत्ता के खिलाफ एक शब्द नहीं था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, और कई चीजें मैं समझती हूँ कि जब हम स्त्री की भूमिका पर बात करेंगे, सामाजिक विकास के संदर्भ में स्त्री की भूमिका पर बात करेंगे, तो हमको कई चीजों को खोलने में सकारात्मक ढंग से मदद मिलेगी, बजाय इसके स्त्री के एम्पावरमेंट की। ऐसा लगता है कोई चीज हाथ पैर नहीं है स्त्री का और आप उसे देने वाले, आपके पास कुछ नहीं है जो आप दे सके, उसके पास है, पहले से है, बस आप उसको पहचानना सीखिए कि उस आवाज की भी कीमत है, उसके विचारों की भी कीमत है। केवल उसके श्रम को घर के अंदर के दायरे में रखकर आप उपभोग कर ले और भूल जाए, और उसके श्रम को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करके आप व्यक्तिगत तरक्की पर आगे जाएं, स्त्री को जहां थी वही छोड़ दे, तो आप उससे ले रहे हैं, आप उसको दे नहीं रहे, तो जिससे आप लेते आए उसको देंगे क्या, दिक्कत यहां है। लेकिन हमारी जो वैचारिक संरचना है उसमें पितृसत्ता और पितृसत्ता की इस भूमिका को कभी आलोचना का विषय बनाया ही नहीं है। उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी स्त्रीवादी आंदोलनों की, खास करके स्त्रीवाद के संदर्भ में वैचारिक लेखनों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। स्त्री के आंदोलन थे, स्त्री का संघर्ष था, स्त्री की सामाजिक भूमिका भी थी, और इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आदिकाल में जाकर आपको विदुषियों के नाम नहीं गिना रही, आप 100-150 साल पहले चले जाइए ना, 100 साल भी मत जाइए, अभी तो 70-72 साल हुआ है, सिर्फ इतने ही पीछे जाइए और अपनी दादियों से या अपनी माओ से या अपने पिता से पूछिए, और तब आप पहचान कर सकेंगे कि आजादी की लड़ाई का जो इतिहास लिखा गया उसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी, महिलाओं ने कितनी जबरदस्त भूमिका निभाई थी, घर घर से औरतें निकली थी। और महादेवी तो कहती ही है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि भारतीय ललनाओं का इतिहास और उनकी कुर्बानी और त्याग का वहां पर निदर्शन न हो सके। ये जो स्थिति है कि एक लेखिका जो स्वयं आजादी की लड़ाई में मौजूद थी, महादेवी का रचनाकाल और महादेवी की मौजूदगी आजादी के लड़ाई के समय थी और बहुत बाद तक वो जीवित रही, उन्होंने स्वयं क्रांतिकारियों की मदद की थी, वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या थी और अपने घर में क्रांतिकारियों को छुपा कर रखती थी। हाँ, वो सक्रिय उस तरह से भाग नहीं ले पाई जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिया, लेकिन मुखर तौर पर उन्होंने लिखा, अंग्रेजों की मुखालफत की, लिखा और आर्थिक मदद भी दिया करती थी क्रांतिकारी साथियों को। तो ऐसी महिला जब ये लिख रही है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता अगर उसमें भारतीय स्त्रियों की भूमिका की पहचान न की जाए, तो इस एक जरा से वाक्य पर, बहुत छोटा सा वाक्य है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि सामाजिक इतिहास लेखन का जो ढांचा है, क्या इस वाक्य से कुछ सीख पाया? भारतीय स्त्रियों के कुर्बानियों, उनके त्याग और उनकी जो तपस्या थी, उनका जो संघर्ष था, आंदोलन था, वो जो दर्ज होना चाहिए था, जिस रूप में उसको पहचान मिलनी चाहिए थी, क्या वो पहचान मिली? आप यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास के ज्यादातर विद्यार्थी संभवतः बैठे हुए, लेकिन इतिहास पढ़कर, या आपने अब तक शायद बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, 20 साल एवरेज मान लेती हूँ आपकी उम्र होगी, और उसमें आपने लगभग 16 साल पढ़ाई कर ली ना, स्त्री के बारे में कितना जाना समझा, आपका पाठ्यक्रम आपको कितना बताता है स्त्री लेखिकाओं के बारे में, बहुत सारे ऐसे जेनर हैं, बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जहां स्त्री का नामोल्लेख तक नहीं, आप पूरा का पूरा अपना पाठ्यक्रम पढ़ जाइए, हिंदी का ही नहीं अन्य विषयों का भी पढ़ जाइए, इतिहास स्त्री का नहीं है।
साहित्य, साहित्य में स्त्रियां कविताएं तो लिखती हैं, विचार नहीं करती, ठीक है ना? यानी वैचारिक साहित्य से स्त्री गायब है। हाँ, कविता लिख रही है, कहानी लिख रही है, उपन्यास भी लिख दिया है, ठीक। अच्छा, और जरा सा प्रसन्न हो गए हमारे इतिहासकार, तो उन्होंने क्या किया, पहली कहानी कौन, उसमें एक महिला ढूंढ लाए, लेकिन उस महिला को उसके बाद चर्चा के लायक उसके लिखे को नहीं समझा, कहीं उसकी चर्चा ही नहीं उसके बाद, बस ऐतिहासिक संदर्भ में टोकनिज्म के तौर पर स्त्री को आपने दाखिल किया, फिर से बाहर कर दिया। तो ये तो स्त्री के इतिहास पर, उसके लिखे पर, उसके संघर्ष और त्याग पर विचार करना नहीं हुआ। महादेवी जिस समय लिख रही थी, रामचंद्र शुक्ल भी उसी समय इतिहास लिख रहे थे, बहुत ज्यादा का अंतराल नहीं है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो बाद में लिखा, बाकी लोगों ने तो और बाद में लिखा, तो क्यों नहीं ये महिलाएं और इनके विचार और इनके द्वारा लिखा गया ये जो वैचारिक निबंध है या वैचारिक लेख है, इनके चिंतन का केंद्र बने, नहीं बने। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को देख, अच्छा रामलीला शर्मा तक चले आइए, छोड़ दीजिए रामचंद्र शुक्ल, रामलीला शर्मा उनको भारतेंदु तो क्रांतिकारी नजर आते, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने भाषा का संवर्धन किया, ठोक पीट किया, परिष्कार किया, और भारतेंदु तो पूरी अमी की कटोरिया से जुग जुग जियो विक्टोरिया रानी लिख लिया, लेकिन उन्होंने तो ये भी लिखा हा हा भारत दुर्दशा देखे न जाए, तो ये वाला पक्ष तो हमारे मन के अनुकूल है। और वो अगर आलोचना का पक्ष है भी पूरी अमी की कटोरिया से, तो हम उसे अंतर्विरोध करके कह के छोड़ देते, लेकिन रामलीला शर्मा को भी महिलाएं नहीं दिखती राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में, जिनको ये श्रेय मिला हुआ है कि छायावाद और उस दौर के पूरे साहित्य इतिहास लेखन को उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास लेखन के साथ जोड़कर देखने की वकालत की, लेकिन उस राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका थी, महिलाओं के क्या एजेंडे थे, उनको किसान दिख जाते, उनको मजदूर भी दिख जाता है, लेकिन स्त्री नहीं दिखती। जबकि सच्चाई क्या थी कि जितना प्रोमिनेंटली स्त्री संघर्ष और स्त्री संघर्ष के लिए जो सभाएं गठित की गई थी वो एक दो नहीं थी, बहुत बड़ी संख्या में थी। और ये केवल उस वक्त से नहीं हुआ जब 1920 या 30 के दौर में हुआ, ऐसा नहीं, एकदम शुरुआत से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यानी 1857 के युद्ध के बाद से ही जो भारत में ब्रिटिश शासकों का रवैया बदला शासन के प्रति और शासकीय संरचना के प्रति, उस दौर में जो लोग भारत के नौजवान युवा पुरुष लोग थे वो नौकरियां कर रहे थे, उनकी पत्नियां बंगाल में ऐसे अनेकों जोड़े हैं, उनका इतिहास है, उन महिलाओं का लिखा हुआ है कि वो किस तरह अपने पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांवों में जाती थी, जहां जहां उनकी पोस्टिंग होती थी वहां जाती थी, और वो महिलाएं आभिजात्य घरों से होने के बावजूद गांव में, चूंकि गांव की स्त्रियों से उनको अपना संपर्क और उनसे एक उनकी भावनाओं को पहचानना होता था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर पति सरकारी नौकरी कर रहे थे लेकिन पत्नियां स्त्री संगठन करने के मूड में थी, और वो इस चीज की जरूरत महसूस कर रही थी कि स्त्रियों के संगठन अगर मजबूत होंगे तो स्त्री शिक्षा और स्त्री के व्यक्तित्व के विकास का एक नया आयाम खुल सकेगा, और हो सकता है कि आजादी की लड़ाई में ये जो पक्ष है सशक्त स्त्री का, शिक्षित स्त्री का, ये पक्ष हमारी और मदद करे, हमें आजादी जल्दी मिले। और इसलिए वो पतियों के साथ नौकरी पर जहां जहां उनके दूर दराज गाँव में पोस्टिंग होती थी वो जाती थी, और उन ग्रामीण महिलाओं के साथ अंतरक्रिया करने या बातचीत करने के लिए, ताकि वो उनसे दूर ना भागे, वो नंगे पैर सिर ढक कर जाती थी, नंगे पैर बिना चप्पल पहने, क्योंकि गाँव में अधिकांश स्त्रियां चप्पल नहीं पहनती। इस सच्चाई को समझना चाहिए, अगर मास लेवल पर स्त्री के और स्त्री के समुदाय से जोड़ना है तो आपको कम्युनिकेटिव होना होगा, और ये बात उस समय की नेत्रियां, जो महिला नेत्रियां हैं, वो समझती थी। और यही नहीं, आप एक और मैं उदाहरण दूं कि बहुत आराम से बहुत जगह पर आप लोगों को कहते सुनते होंगे कि आजादी के साथ
भारतीय स्त्री को मतदान का अधिकार मिल गया, मनुष्यता का अधिकार भी मिल गया, यानी आप आपके साथ जेंडर लेवल पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आपको मनुष्य माना गया है, इक्वली मनुष्य माना गया है, फिर भी इक्वलिटी की लड़ाई की जरूरत है। इक्वल मनुष्य माना गया है, आपके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और भी कई सारे डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी शपथ वहां प्रस्तावना में रखी गई है, लेकिन अनुभव का हिस्सा क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता? होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं कि हमारे यहां तो स्त्रियों को मतदान का अधिकार यूरोप से पहले मिल गया था, वहां तो लड़ाई लड़नी पड़ी थी पहले दौर के स्त्रीवाद को मतदान के अधिकार के लिए, हमें तो लड़ना ही नहीं पड़ा, हमें तो संविधान मिला और मतदान का अधिकार मिला। बात ऐसी नहीं है, भारतीय स्त्रियों ने भी मतदान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और वोटिंग किए थे, जो अखिल भारतीय महिला समिति के कई सम्मेलन हुए, बैठकें हुई, और उन बैठकों में मुझे नहीं पता कि अभी हम लोगों ने इस तरह पढ़ना शुरू किया है या नहीं, लेकिन उन बैठकों की रिपोर्ट्स को अगर आप देखें तो पाएंगे कि यूरोप के पूरे परिवेश में स्त्रीवाद की तब चर्चा भी नहीं थी जब भारत में सरोजनी नायडू घोषणा कर रही थी कि वे स्त्रीवादी नहीं है। इसका एक पर्सपेक्टिव है, जब वो ये घोषणा कर रही थी कि वे स्त्रीवादी नहीं है और क्यों नहीं है, उसका एक पर्सपेक्टिव है कि किस संदर्भ में वो कह रही थी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कोट कर रही हूँ कि हम समझें कि आजादी की लड़ाई के दौर में ही 37 के आसपास ही इस बात को कहा जाने लगा था कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट होने की जरूरत है या नहीं है। सरोजनी नायडू ने अपना एक पक्ष रखा कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं महिलाओं के जो अधिकार हैं मतदान से लेकर शिक्षा से लेकर सामाजिक भागीदारी से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर उनकी उपस्थिति से लेकर उन सबकी हिमायती हूँ। स्त्रीवाद का और क्या एजेंडा है, इसके अलावा और क्या एजेंडा है? जाहिर है कि सरोजनी नायडू को, जो कि एक बंगाली परिवेश से आती थी, सरोजनी नायडू बंगाल की थी, उन्होंने विवाह एक दक्षिण भारतीय से किया था, इसलिए सरोजनी नायडू उनका नाम प्रचलन में है, दरअसल वो बंगाल से थी, तो उनके सामने मसला था कि वो किस तरह से अपने को और स्त्रियों के एजेंडे को कांग्रेस के उस संगठन के भीतर, जो कि मेल डोमिनेटिंग संगठन था, आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व के साथ लड़ी जा रही थी, कुछ क्रांतिकारी दल भी थे, कुछ समाजवादी दल भी थे, और बाद में 30 के आसपास से हमें जो मार्क्सवादी समूह है वो भी मिलने लग गए, लेकिन बृहत्तर जो डोमेन था, जो पॉलिटिकल डोमेन था, उसको ऑक्युपाई कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी। तो कांग्रेस के भीतर भी शिवरानी देवी का भी यही अनुभव है, कांग्रेस संगठन को लेकर शिवरानी देवी का भी यही अनुभव है जो सरोजनी नायडू का है। सरोजनी नायडू वहां पुरुषों की जो उपस्थिति है उसके भीतर स्त्री की आवाज, उसके हक, उसके अधिकारों के सवाल को कैसे उठाया जाए बिना आक्रामक हुए, इसके लिए कह रही है कि मैं स्त्रीवादी नहीं हूं, लेकिन मैं स्त्री के लिए शिक्षा के, समानता के और उसके सार्वजनिक भागीदारी की लड़ाई के समर्थन में हूं, उसको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। और कांग्रेस के भीतर लंबी बहस चलती है कि भारतीय स्त्रियों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें मुस्लिम नेत्रियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो हिंदू स्त्रियां हैं वही इसमें शामिल है, मुस्लिम स्त्रियां भी शामिल है, और वो लेकिन उनका परिवेश वही राजघराने वाला है, देशी रियासतों वाला है, और वहां बहस चलती है कि किस तरह की स्त्री को मतदान का अधिकार मिले। यानी सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि स्त्रियां अशिक्षित थी, और आप सब जानते हैं कि अशिक्षित अगर हम किसी तबके को मान लेते हैं, यानी साक्षर जो नहीं है, शिक्षा से जिसका संबंध नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वो तबका विवेकहीन भी है, बुद्धिहीन भी है, तो ज्यादातर जो संख्या थी भारत की उसमें स्त्रियां अशिक्षित थी, क्योंकि अवसर शिक्षा के बहुत कम थे,
मिल ही नहीं रहे थे और गरीबी एक बड़ा कारण थी और दूसरा बड़ा गरीबी का बाय प्रोडक्ट अशिक्षा थी और उसमें अशिक्षा के उस व्यापक माहौल में अगर किसी को शिक्षित होने का अवसर मिलता था किसी परिवार से तो जाहिर है कि वह सबको नहीं मिल सकता था और उसमें वरीयता परिवार तय करता था उस लेवल पर उस यूनिट पर उस इकाई पर और उसमें पुरुष या जो कोई एक बच्चा पुरुषों में भी सब शिक्षित थे ऐसा नहीं था। शिक्षा की स्थिति जो थी वो इस प्रकार थी। तो ये मतदान के लिए स्त्रियों के संदर्भ में कुछ क्राइटेरिया तय किया गया, बहस हुई और उस क्राइटेरिया पर ये पाया गया कि जो महिलाएं विवाहित हैं और जिनके पास एक सीमा तक धन है वो मतदान कर सकती हैं। दूसरे के लिए कहा गया, दूसरा क्राइटेरिया तय किया गया कि जो महिलाएं शिक्षित हैं उनको मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए और तीसरा क्राइटेरिया तय किया गया कि जो विधवा हैं लेकिन उनके पास धन है, एक मतलब उनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, उनको भी मतदान का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन सरोजिनी नायडू ने इसकी खिलाफत की, उन्होंने कहा नहीं, बिना किसी भेदभाव के सभी स्त्रियों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। और तब इस लंबी लड़ाई के बाद आपको मतदान का अधिकार हम सबको मिला है, जिसको बहुत सहजता से कह देते हैं कि ये तो हमारे जो नेता थे अम्बेडकर हो या गांधी हो, वो इतने बड़े बड़े थे, इतने उदार थे कि उन्होंने सहज ही हमें मतदान का अधिकार दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं था, लड़ाई लड़ी स्त्रियों ने, उनके संगठन थे और ये चीज लंबे विचार विमर्श का हिस्सा थी। तो बहरहाल हम जिस बात को आज के संदर्भ में देखना हमें जरूरी लगता है कि आज भी आज़ादी के बाद भी जबकि हमें मतदान के और संवैधानिक व्यवहार के अधिकार सहजता से हासिल हैं, हम उन अधिकारों को अमल में लाने के लिए उतने स्वतंत्र नहीं हैं। और ये जो स्वतंत्रता का अपहरण है हमारा, यही हमारी वो कमजोर जगह है जहाँ हमें संघर्ष की जरूरत है। यहाँ खोई हुई चीज को पाने की नहीं, प्राप्त चीज को जानने और उसे बचाने का संकट है। आपको मिला हुआ है, अब हम पुराने संघर्षों को वर्तमान स्थिति में आप लोगों को, आपकी पीढ़ी को या मेरी पीढ़ी को वो संघर्ष नहीं करना पड़ा जो मेरी माँ को करना पड़ा या मेरी दादी को करना पड़ा या हमारे और जो अन्य महिलाएं हैं उनको करना पड़ा। तो हमें शिक्षा को लेकर हमें एक सहज ही एक वातावरण मिला अपने घरों में, अपने समाज में। लेकिन शिक्षा के बाद भी हमसे अपेक्षा क्या की गई कि हम घरेलू ही बने रहें, हम वैसे ही बने रहें जैसे संस्कारों में मेरी माँ थी, हम बदले नहीं। लेकिन शिक्षा तो बदलती है, वो शिक्षा ही क्या जो आपको बदले नहीं, वो शिक्षा ही क्या जो आप जैसे थे आपको वैसा ही बने, यानी एक सांचा है स्त्री का जो समाज ने बनाकर दे दिया है, उस सांचे में आप फिट भी रहें और दिमाग आपका बदल भी जाए, ये कैसे संभव है? दिमाग बदलेगा तो व्यक्तित्व भी बदलेगा, शिक्षा आएगी तो आपके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होगा। ये संभव नहीं है कि हम भी वही रहें, वैसे ही बने रहें जितना एमए पास करके मेरी माँ थी और हम भी आज के समय में एमए पास करके वैसे ही बने, संभव नहीं। बदलना जरूरी है और बदलना ही विकास का लक्षण है। तो अभी की स्थिति में जो सामाजिक परिवेश है उसमें महिलाओं से 99% यही डिमांड की जाती है कि वो उतने ही लवेबल, उतने ही सहिष्णु, उतने ही घरेलू बनी रहें जैसे कि हमारी दादियां थी, हमारी माएँ थी और हमारे पहले की पीढ़ी थी। ये संभव नहीं है। प्यार और प्यारा होना, घरेलू या घरेलू छोड़ दे हम, सहिष्णु होना, टॉलरेंट अपने अंदर विकसित करना, टॉलरेंट होना और दूसरों के लिए स्पेस छोड़ना, ये आधुनिक शिक्षा सबको सिखाती है। स्त्री और पुरुष का इसमें भेद नहीं है। प्रेम से जियो, मनुष्य हो तो प्रेम से जियो, ठीक है, लेकिन स्त्री पुरुष के संबंध में जो मुख्य संबंध है वो प्रेम का, वो संबंध जो डिमांड करता है, जहां वो अपना डिमांडिंग चेहरा पेश करता है, वो स्त्री का पक्ष। दिक्कत यहाँ है कि आप एक पक्ष से सब कुछ मांग ले और
देने के लिए या अपनी जगह जरा भी छोड़ने के लिए तैयार ना हो तो यहाँ संकट है। स्त्री उतनी प्यारी या लवेबल हो ही नहीं सकती अगर आप खुद भी उस परिवर्तन को अपने भीतर महसूस न करें। और ये तमाम भावनाएं स्त्री के प्रति जो साहित्यिक डिस्कोर्स है जिसमें इन भावनाओं को हाईलाइट किया जाता है, इन तमाम भावनाओं में परिवर्तन की जरूरत है, इनको भी रिडिफाइन करने की जरूरत है। अब आप वैसे ही प्रेम कविता नहीं लिख सकते जैसे छायावाद में लिखी गई। लिख सकते हैं क्या? लिखेगा, लिख भी देंगे तो पढ़ेगा कौन? स्त्री तो नहीं पढ़ेगी, कम से कम वो नहीं मानने को तैयार है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आप रख लीजिए, है ना, हमें नहीं चाहिए। हम तय कर लेंगे कि हमें हमारा चेहरा, हमारी शक्ल, हमारी उपस्थिति कैसी है और कैसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप छोड़ दीजिए, है ना। व्याख्या की बात भी हम कर लेंगे क्योंकि अब हमारे पास बुद्धि और साक्षरता और शिक्षा सब कुछ है। तो ऐसे में क्या इन भावनाओं को रिडिफाइन करने की जरूरत नहीं है? उन चित्रों को जो रूढ़ बना दिया है आपने स्त्रियों के लिए साहित्य के अंतर्गत, मतलब इतनी व्याख्या की है। और एक दूसरा हमारा है मीडियम, मास मीडिया, सिनेमा, उसने पागल ही बना दिया है कि स्त्री पुरुष के प्रेम का रूप क्या होता है। अरे भाई, वो तय करने दो ना, इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो कि वो कैसी होनी चाहिए, वो चले तो क्या हो जाता है, दिखाई दे तो क्या हो जाता है, सब क्या है, है ना? उसको खुद तय करने दो कि वह कैसी दिखना चाहती है, वो कैसे अपने लिए सोचती है, अपने भविष्य के लिए सोचती है। तुम ये संरक्षक भाव छोड़ दो, बहुत पैट्रोनाइज किया, इस पैट्रोनाइजेशन की अब जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों इसलिए नहीं है कि अब स्त्री भी, आप एक बार उसे समान परिवेश देने के बाद आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ समझने के बाद वह अपनी बुद्धि को ताक पर रखे। और यदि आप उसे ये बाध्य करते हैं कि परिवेश को समझने के बाद भी वह अपनी बुद्धि से व्यवहार न करे, तो आप उसका एक तरह से भावनात्मक या विवेक के स्तर पर दमन करते हैं। और इस दमन को किसी भी तरह से स्वीकार करना मैं नहीं समझती आज की स्त्री के लिए उचित है। और ये एम्पावरमेंट का तो सवाल ही नहीं है। हमने जब कोई चीज खुद हासिल की है तो हम उसको दबाने, मतलब उसके असर को खत्म करने के लिए क्यों इतने खुद ही कोशिश कर रहे हैं? हमने शिक्षा हासिल की है, आप घरों में देखते हैं ना, आपके अभिभावक क्या कहते हैं, कॉलेज जाना, अच्छा लड़की कहती है नहीं भाई अभी 20-22 साल ही हुआ है, अभी मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो पिता या घर में दबाव होता है। कई लड़कियां, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, जो PhD करने आती हैं और बकायदा कॉल भर के आती है कि मैडम बिल्कुल नहीं, 3 साल तो बस आपके साथ ही रहना है, कुछ और नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही दाखिला होता है 15 दिन के बाद, पापा की तबीयत बहुत खराब थी मैडम और माँ ने कहा कि पता नहीं क्या स्थिति हो, विवाह कर। मतलब एक ही सॉल्यूशन है पापा की बीमारी का भी, कि लड़की विवाह करे। भाई ये कोई दवाई तो नहीं है ना कि पापा ठीक हो जाएंगे इससे, या घर का कोई बीमार सदस्य ठीक हो जाएगा। लेकिन स्त्री से अपेक्षा की जाती है, लड़की से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसा मान ले, कर ले, क्योंकि एक दायित्व तो है जिसको परिवार को पूरा करना है। बुद्धि विवेक सब कुछ देने के बाद ये लड़की का निर्णय होना चाहिए कि वह विवाह करेगी नहीं करेगी, किससे करेगी और कब करेगी। लेकिन ये स्वतंत्रता हम नहीं देते, पहले अपहरण कर लेते हैं उसकी, जो हाथ पैर है उसकी ताकत है उसको पहले ही हम उसकी हत्या कर देते हैं, काट लेते हैं और कहते हैं कॉलेज जा रही है तो अच्छा ठीक है। पापा बड़े उदार हुए, कोई होते हैं, सबके पापा हमारे दुश्मन थोड़ी, उदार ही होते हैं, तो वो कहते हैं हाँ बेटा ठीक है पढ़ लो, 2-4 साल पढ़ लो, लेकिन विवाह वही करना है जहां मैं कहूंगा। और लड़की भी ये वचन देती है कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, विवाह वही करूंगा या करूंगी जहां आप कहोगे। ये कॉल भर के जैसे हम अपनी पवित्रता का एक घोषणा पत्र वहां देकर आते हैं, आप जब तक कहोगे हम ऐसे ही रहेंगे, ठीक। तो इन चीजों को ये बदलने की जरूरत है। ये युवा पीढ़ी है, इसके पास विवेक बुद्धि है, आप इसको इस तरह से कुंद ना बनाए। चीजें बदलेगी, सब सामाजिक चरणी के फेज से हम सब गुजर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां बदल रही है, समाज को बदलना अवश्यंभावी है, ना बदले ये संभव ही नहीं है। लड़की बदल गई है, अब ये जो लड़के बैठे हैं ये पहले वाले लड़के नहीं,
ये जो ढेरा जी की पीढ़ी है उससे बहुत आगे की पीढ़ी के बच्चे। इन्हीं पर भरोसा किया जा सकता है, इन्हीं पर भरोसा किया जा सकता है जो साथ पढ़ते पढ़ते सीख रहे हैं, लड़कियों के सहचर्य में सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, व्यवहार करना सीख रहे हैं, सामाजिक व्यवहार कर। आप देखेंगे कि घर के अंदर वही मेरा भाई जो कभी मेरे लिए चाय नहीं बनाता लेकिन अपनी पत्नी के लिए अब बनाता है। तो ये फर्क है, क्योंकि मेरे माता पिता ने सिखाया है कि लड़की के रहते भाई उठ के चाय बनाएगा, या फिर काम वाली है तो सही है ना। और पत्नी के रहते, क्योंकि पत्नी नौकरी पेशा है और बच्चे भी देखने हैं, काम वाली टाइम टू टाइम आएगी तो वो अपने लिए उठ के चाय बना लेगा, लेकिन तब भी उसकी भूमिका उतनी कोऑपरेटिव या उतनी भागीदारी वाली नहीं है जैसी होनी चाहिए। ये लड़के घर में भले ना काम करते हो लेकिन लड़कियों के लिए साथ पढ़ते हुए थोड़ा बहुत बदल लेते हैं, कुछ कुछ इनकी मदद करते हैं और सीखते हैं। तो बहुत सारी शिक्षा हमारी घर में होती है और बहुत सारी शिक्षा हमारी विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, सामाजिक परिवेश में, सार्वजनिक उपस्थितियों में होती है। तो इनसे जो कुछ सीखते हैं ये इतना नगण्य नहीं है, यही लड़की को एम्पावर्ड करता है। जब आप अपनी जगह, आपको एहसास होता है कि आपने जबरन दूसरी की जगह घेर रखी है, जबरन आप फैल कर बैठे हुए हैं, थोड़ा सरक लीजिए, है ना। तो ये जो स्थिति है ये तभी संभव है जब हम सोचने की, देखने की जो दृष्टि है वो बदले। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम, जैसे आप राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का एक उदाहरण दो कि लड़कियों को बड़े पैमाने पर गांधी जी ने 1930 के बाद बाहर तो कर दिया। अब मुश्किल थी कि 17 साल बाद ही आजादी मिल गई, उसकी भूमिका तो 44-44 में शुरू हो गई थी, कमेटियां गठित होने लगी थी, संविधान सभा का गठन हो चुका था आजादी के पहले ही, औपचारिक घोषणा जो हुई वो 15 अगस्त और 26 जनवरी वाली बात में हुई। तो ये जो 17 साल बाद की स्थिति है जहाँ अब इन औरतों का क्या करें, तो ये नारा हुआ कि अब सब अपने अपने घर लौट जाइए, आपकी राजनीतिक भूमिका पूरी हो गई। क्या ये संभव है? इतिहास पीछे लौट सकता है? इतिहास पीछे नहीं जा सकता। और कई बार जो ऐतिहासिक कारण होते हैं वो मनुष्य की इच्छा और उसकी जो हसरत है उससे बहुत आगे होते हैं। तो भारतीय लड़कियों ने, भारतीय स्त्रियों ने बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से, बहुत लड़कर शिक्षा, राजनीति और सार्वजनिक जगहों में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है। लेकिन अभी बहुत सारे कदम चलने बाकी हैं, अभी बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। सबसे रूढ़ जगह जानते हैं क्या है? सबसे कन्वेंशनल ये है एकेडमिक्स। यहाँ बदलाव सबसे मुश्किल होता है, जबकि उम्मीद यही से होती है यही बदलेगा पहले। ये सबसे बाद में बदलता है, मतलब आपके कपड़े बदल जाना एकेडमिक्स का बदलना नहीं, पाठ्यक्रम बदलना एकेडमिक्स का बदलना है। और पाठ्यक्रम बदलने के साथ साथ पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले के नजरिए में परिवर्तन सबसे रूढ़ होता है। ये जो मैं खड़ी हूं ना, टीचर, सबसे रूढ़ होता है, ये नहीं बदलने देता, ये चीजों को पकड़ के रखता है। ये माता पिता के बाद दूसरा हमारा गार्जियन बन जाता है और हम लोग बड़े आराम से कहते हैं बेटा बेटा बेटा, क्यों भाई बेटा, विद्यार्थी हो, छात्र हो, है ना। तो ये जो स्थिति है कि जहां हम ऐसे देखते हैं लड़कियों को, लड़कों को पैट्रोनाइजिंग वाले भाव से देखते हैं, वहां दिक्कत है। और कन्वेंशनल जगहों पर, खास करके एकेडमिक्स के अंदर, चीजों का बदलना बहुत धीमी गति से होता है। हमारे अपनी दुनिया में जो बदलाव है या हमारे सार्वजनिक जगहों पर जो संघर्ष की स्थितियां हैं वो जैसे निर्मित होती हैं, पाठ्यक्रम उस तेजी से नहीं बदलते। पाठ्यक्रम को बदलने में, पाठ्यक्रम के भीतर, और पाठ्यक्रम के भीतर भी सबसे रूढ़ एरिया है आइडियोलॉजी, विचार, विचारों की लड़ाई, इसीलिए सबसे गंभीर लड़ाई होती है। आप देखिएगा कि लड़की पर तो सब बात करना चाहते हैं, लड़की के विचार पर कोई बात नहीं करना चाहते। दिक्कत क्या है? आप बहुत सारी औरतों को केवल सशरीर उपस्थित देखकर अगर ये राय बना लें कि महिलाओं की भागीदारी बहुत है तो आप एक भ्रम में हैं। महिलाओं की भागीदारी केवल शरीर से नहीं, विचार से भी जरूरी है। और ऐसी जगह जो एकेडमिक्स कहलाती हैं, इन जगहों पर जो वैचारिक लड़ाई है स्त्री के पक्ष में वो बहुत धीमे गति से चालित है।
इसको तेज करने की जरूरत है और इसके वाहक हम सब शिक्षक हैं जो पाठ्यक्रम बनाने में कोई ना कोई भूमिका रखते हैं। और पाठ्यक्रम बनाना जो है और पाठ्यक्रम बनाने के साथ साथ पढ़ाना और कक्षा में उसको बरतना, व्यवहार में उसको लाना। व्यवहार में तो आप रूढ़िवादी बने रहेंगे, शिक्षक की भूमिका आते ही आप पावर डिस्कोर्स का खुद हिस्सा बन जाएंगे और वहां आपको तमाम चीजें, मतलब ऑपरेशन का तत्व पावर के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप शक्ति जहां कहते हैं वहीं दमन भी है, तो जिसके पास शक्ति है वो दमन करने के लिए अपने आप योग्य हो जाता है। तो उन जगहों को बहुत सूक्ष्म तरीके से पहचानने और वहां पर खुद सावधान रहने की, अपने को रिस्ट्रिक्ट करने की। हो सकता है कि मुझे जैसे आप देख लीजिए कि किसी की चर्चा जब आप करते हैं, उसके प्रभाव की चर्चा करते हैं, तो कहां से देखना शुरू करते हैं? हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनकी किताबें आप सब पढ़ते हैं, डॉक्टर नगेंद्र, और उनकी जब चर्चा होती है तो क्या ऑरा बनाया जाता है। आप कभी वर्णन करते हुए चेहरों को सुनिए और उनकी भाषा पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर नगेंद्र जब चलते थे कॉरिडोर में तो विद्यार्थी उनके पीछे पीछे चलते थे, भागते हुए चलते थे और उनसे कोई बात करने का साहस नहीं करता था। या इसी तरह से एक और प्रोफेसर है संस्कृत के, बहुत विद्वान और प्रोग्रेसिव, राधा वल्लभ त्रिपाठी। मैंने अपने एक सहकर्मी के मुंह से उनकी तारीफ में कुछ वाक्य सुने और वो तारीफ इस तरह की थी कि कोई एक प्रसंग का जिक्र था जो कोर्ट का था और कोर्ट ने उनको बुलाया था, तो वो जिक्र कर रहे थे कि राधा वल्लभ जी का चेहरा बिल्कुल तमतमा गया, गौर वर्ण उनकी 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 उजली धोती थी और शिखा थी और पता नहीं, मतलब वर्णन करते समय हम भूल जाते हैं कि ऑरा के लिए, उसकी प्रभा को बनाने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किन चीजों को आदर्श की तरह पेश कर रहे हैं और उससे कौन सी छवि बन रही है। ये चीज आप डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा है कि नहीं है, ये पावर को कैसे डिफाइन कर रहा है, वहां से आप इन वर्णनों से देखिए कि कैसे डिफाइन हो रहा है पावर। और आप किसी को कब पावरफुल मानते हैं और पावरफुल मान के आप अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन करते हैं? अगर कोई पावरफुल है और पद प्रतिष्ठा से पावरफुल है तो आप कैसा व्यवहार करते हैं, क्या बताना चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं उसके साथ अपने संबंधों को, है ना? और दूसरे तरह के पावर पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? तो ये चीजें, ये दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। एक शिक्षक को और विद्यार्थी को अपने संबंधों को भी लेकर सचेत रहने की जरूरत होती है कि कहीं हम खुद ही उस मैकेनिज्म का हिस्सा तो नहीं है जो हम अपनी बहसों में, जिसको हम खारिज कर रहे होते हैं, कहीं हम खुद ही उस प्रक्रिया का हिस्सा तो नहीं। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। और स्त्री के सशक्तिकरण वाला शब्द जो है वो कहीं ना कहीं उसके अशक्तिकरण की उस पूरी भूमिका से भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बजाय इसके कि हम कहें कि स्त्री को एम्पावर्ड करें या उसे सशक्त बनाएं, वो बनी हुई है सशक्त, उसको उसके राह चलने दें, उसको छोड़ें और फिर देखें, हो सकता है गलती करेगी, हो सकता है कि सफल भी ना हो और आपको कहने का मौका मिल जाए कि देखा बात नहीं मानी तो क्या हुआ, है ना, असफलता मिली, कोई बात नहीं, जिंदगी में सभी सफल नहीं होते और सफलता का कोई एक पैमाना भी नहीं। तो इसलिए पॉजिटिव सकारात्मकता और स्त्री के लिए उसके स्पेस को छोड़कर और दखल दिए बिना जीने की आदत अगर हम बना लें तो ये जो रिचुअल्स है जो 8 मार्च और 10 मार्च जैसे दिनों को आप करते हैं, ये अपने आप मतलब और विषयों के लिए ये हमें मौका देंगे, एम्पावरमेंट जैसे थोथे विषय के लिए।